हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो 99.9% जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए होता है वो सेम होता है। और हम जानते हैं उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 3×10^9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर इनको सीक्वेंस करना है तो अगर हमें कुछ डिटेक्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर रेप होता है, ठीक है, तो रेप के केस में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम उस टाइम क्या कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा जो बेस पेयर है इनको हम सीक्वेंस नहीं कर सकते। ठीक है, इतने ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, और हम इतने ज़्यादा बेस पेयर की स्टडी भी नहीं कर सकते, ठीक है, पता लगा सकते। ठीक है, और इसलिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें क्या बोला था हमने कि क्या होता है, डीएनए के रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं जिसको हमें क्या कहता है, माइक्रो सेटेलाइट। ठीक है, और माइक्रो सेटेलाइट में जो रेपिटेटिव डीएनए होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। ठीक है, एक एक हमने कहा माइक्रो सेटेलाइट और एक होता है मिनी सेटेलाइट, उसको भी हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि जहाँ पे क्या कहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंट डिफरेंसेज इन सम सीक्वेंस, सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, जिसको हमने कहा क्या कहा था, रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, और ये है क्या बेसिकली, ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, ये भी हमने बताया था आपको। ठीक है, द रेपिटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। ये क्या कहता है कि जो रेपिटेटिव डीएनए है इसमें भी क्या आती है, जब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, बल्क जो डीएनए है हमारा, डीएनए में से सेपरेट करेंगे ना रेपिटेटिव डीएनए को, तो उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो थ्रू सेंट्रीफिकेशन, ठीक है, जब उसको हम क्या करते हैं रोटेट करते हैं तो वहाँ पे दो पीक्स बनती हैं। ठीक है, दो पीक कौन कौन सी बनेंगी, एक जो लाइट डीएनए होगा, ठीक है, और एक जो बल्क वाला डीएनए होगा। ठीक है, लाइट वाला डीएनए कौन सा होगा, जिसमें रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैं रखना, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक इज रेफर्स टू एज सेटेलाइट डीएनए। अगर पूछेंगे कि जो स्मॉल पीक्स है वो कौन बनाता है, सेटेलाइट डीएनए बनाता है। ठीक है, ये मैं याद रखना है। उसके बाद क्या आता है कि जो डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, एडेनिन थायमिन रिच और गाइनिन साइटोसिन रिच, लेंथ ऑफ द डीएनए एंड द नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, द सेटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। और जैसे कि हमने कहा कि सेटेलाइट डीएनए को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी क्लास में, एक माइक्रो सेटेलाइट और एक मिनी सेटेलाइट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है किस किसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ATG रिच या GC रिच। ठीक है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं इनको डिवाइड करते हैं, ये याद रखना है। और हमें ये याद रखना है कि हमने बताया था पिछली वीडियो में जो रेपिटेटिव डीएनए है, ठीक है, जो माइक्रो सेटेलाइट है वो क्या करता है, कोड नहीं करता है, प्रोटीन को नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और ये क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, और इसी को हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस मानते हैं। ठीक है, अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा हाई डिग्री का तो हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है कि ए पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ठीक है, हमें इसमें क्या याद रखना है, अ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसिंग इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है यही एक जेनेटिक मैपिंग का, एक ह्यूमन जीनोम का ये बेसिक है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और हम जानते हैं कि म्यूटेशन से भी अराइज हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जो वेरिएशंस हैं जेनेटिक लेवल पे वो किससे अराइज हो सकती हैं, म्यूटेशन से भी अराइज हो सकती है। ठीक है, और कैसे अराइज होती है, हम जानते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे क्या होती है, मियोसिस होती है, तो तब भी क्या होती है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो और ये क्या होती है, हेरिटेबल होती है। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग से ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, सॉरी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट। और क्या कहता है ये, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशंस हैज ट्रेडिशनल डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जो एलिलिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसी को जो पहले क्या कहते थे, मानते थे कि यही क्या करता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और हम हमें याद रखना है कि अगर एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो गए, ठीक है, डिफरेंट लोकस पे, ठीक है, अगर क्रोमोसोम के ऊपर बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर एलिलिक सीक्वेंस की वेरिएशंस होंगी, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ग्रेटर देन 0.01, ये हमें याद रखना है। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी में क्या मिलता है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन मिलती है पॉपुलेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इज ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस। नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस कौन सा होता है, जिसके ऊपर एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। और हमें याद रखना है कि जो नॉन कोडिंग होता है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो वो ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है वो किससे किससे बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, द म्यूटेशन कैप्ट ऑन अकोमोडेटिंग, यहाँ पे लिखा है
म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंसिंग मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इम्पैक्ट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ध्यान से देखिए, देर इज अ वैराइटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजेस फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये हमने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था, SNPs, ठीक है, ठीक है, सिंगल जीन सिंगल बेस पॉली जो था, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और हमें याद रखना है कि इनको हम डिटेल करेंगे हाई क्लासेस में, और हमें याद रखना है कि इसी से हम पता चलता है कि एवोल्यूशन होती है कि नहीं होती है, ठीक है। फॉर एवोल्यूशन स्पीसिएशन, स्पीसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स, ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो टेक्निक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये किसने दी थी बेसिकली, ये दी थी सर एलिक जेफ्रे ने, ठीक है, और उन्होंने यूज़ किया था डीएनए प्रोब, जिसको हम क्या कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडिंग रिपीट्स। और इसी VNTR को यूज़ करने से पहले इन्होंने उस टाइम क्या होती थी, टेक्निक को करने से पहले क्या करते थे, साउदर्न ब्लॉटिंग करते थे, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर रेडियो लेबल होते हैं। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइसोलेशन डीएनए की करते हैं, ठीक है, उसके बाद डीएनए के आइसोलेशन के बाद क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करवाते हैं, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करवाते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट अगर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमने उनको अलग करना है, ठीक है, उनको निकालना है वहाँ से, तो क्या करते हैं हम ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। और इस केस में कौन सी ब्लॉटिंग होती है, साउदर्न ब्लॉटिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। डीएनए फ्रेगमेंट किसके ऊपर हम लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद किसके ऊपर लाते हैं, वो उनको नाइट्रो सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है या नाइलन की, उसके ऊपर लाते हैं, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और किसके साथ लेबल करते हैं हम उनको, VNTR, जो हमने छोटे छोटे प्रोब लिए होते हैं डीएनए के साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए, जब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है डीएनए में, नहीं हुई है, ठीक है, तो वही हम देखते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या आता है कि भाई जो VNTR है, ठीक है, VNTR जो है वो कौन सी क्लास की सैटेलाइट है, सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है। सैटेलाइट VNTR क्या, बेसिकली एक क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, याद रखना है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट नहीं बोलते हैं। और अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडिमली इन मैनी कॉपी नंबर, ये मैं याद रखना है। और कॉपी नंबर क्रोमोसोम में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और हमें याद रखना कि जो द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और हमें याद रखना है कि हम जानते हैं कि अगर क्या होगा, VNTR का नंबर क्या होगा, अगर ज़्यादा रिपीट होगा तो क्या होगी, ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगी, ठीक है, वेरिएशन आएंगे, ठीक है। और ये साइज़ में वैरी करते हैं, 0.0, 0.1 to 20 KB तक, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है कि जो VNTR प्रोब्स होते हैं ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है, डिफरिंग साइज, डिफरिंग इन साइज़। उसके बाद हमें याद रखना है कि जो करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज बैंड्स गिव्स ए करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। जो VNTR होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पैटर्न देते हैं, बट जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं होते, उनमें सेम होते हैं, ठीक है, सेम प्रोब होते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है, आइडेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और हमें याद रखना है क्या होता है कि जो हम बेसिकली जो है जो डीएनए होता है, ठीक है, अगर कोई कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, डीएनए हम कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्लड से, हेयर फॉलिकल हो गए, स्किन हो गया, बोन हो गई, सलाइवा हो गया और स्पर्म हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये था हमारा टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।